और चलिए अब एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। भगवान श्रीराम सूर्यवंशी हैं, सूर्य की किरणें रामलला के मस्तिष्क को प्रकाशित कर सकती हैं। ये सुझाव मोदी जी ने सीएसआईआर को दिया और सीएसआईआर ने इस सुझाव पर काम किया और सफल भी हुए। ये कहना है श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में ऐसी एक कनसुनी कहानी चंपत राय की जुबानी। रामनवमी को भगवान का जन्म है दोपहर के 12 बजे, तो क्या प्रतिवर्ष दोपहर के 12 बजे सूर्य देवता राम सूर्य के वंश में पैदा हुए, सूर्यवंशी हैं, तो सूर्य की किरणें राम लला चाइल्ड राम के मस्तक को प्रकाशित कर सकती है। ये आइडिया उनका है और ये आइडिया उन्होंने सीएसआईआर को दिया और सीएसआईआर ने उसको अडॉप्ट कर लिया एंड दे गॉट सक्सेस। राम के जीवन में सोशल हार्मनी उनके जीवन में दिखती है, तो राम के जीवन की सोशल हार्मनी को ट्रस्ट के सामने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत किया कि अरे वाल्मीकि महर्षि के कारण राम का जीवन जनता के सामने आया, इसलिए महर्षि वाल्मीकि का स्थापन होना चाहिए, महर्षि वशिष्ठ उनके गुरु हैं उनका स्थापन होना चाहिए, विश्वामित्र भरद्वाज इन सारे महर्षियों का वहां स्थान, अब इनके स्थान बनने चाहिए। ये विचार, ये सोशल साइट, सोशल दृष्टि, सामाजिक दृष्टि प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा शबरी निषादराज जटायु ये राम के जीवन के अभिन्न अंग है, अहिल्या, तो ये स्थानों का सुझाव भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है, लेकिन ये राष्ट्र को जोड़ने वाला विचार और राष्ट्र की एकात्मता को सिद्ध करने वाला विचार।